أَفَإِمَّا أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يا أسرى كل جهان دا अल्लाह दे आसरे ते मां हुसैन दी जिन्हां दा आसरा आसमान वाले दरा सज्जा चुके को सुभान अल्लाह अल्लाह ही आसरा कुल जहान दा अल्लाह दे आसरे ते मां हुसैन दी नबी रहनुमा नबी रहनुमा कुल जहान दा नबी दे दिल दा चैन मां हुसैन दी खदीजा आयशा ते हफसा मारिया हबीबा आयशा ते ज़ैनब मारिया इना दी अख द चैन मां हुसैन दी इना दिया मावां दा जिक्र होया ज़ियारत कराओ ते कहो सुभान अल्लाह सारे नहीं बोले नबी दी बीवियां जिन्हां दियां मावां ने दोवें हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह खदीजा आयशा ते हफसा मारिया इना दी अख द चैन मां हुसैन दी अल्लाह आसरा इज्जत नू मिलदी जिनू रब चाया तावे मां ज़हरा दे क्या ने कहने जिनू नबी खुद खड़ावे मां ज़हरा दे क्या ने कहने जिनू नबी खुद खड़ावे जिंदा बाबा नबी जिंदा बाबा नबी
जिंदा शोहर आली ओ ऐसी बाहया है माँ हुसैन दी इन्हों हुसैन की मां नाल प्यार एक बारी हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। तमाम किस्म की हमदो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जाते अकदसो आला बाला वास्ते जो कुल कायनात दा दाता मुश्किल कुशा हाजत रबा गौसे आजम दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर अनगिनत ला तादाद बेहद हिसाब दरुद सलाम आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक वास्ते अल्लाह दे सोने नबी दा नाम सुन के सुस्ती ना करया करो बावाजे बुलंद रुदे पाक पढ़िया करो। जड़ा एक बारी दरूद पढ़ दे अल्लाह दस रहमत कर दे दस नेकियां अदा कर दे दस गुना मुआफ कर दे ते जन्नत दे अंदर दस दर्जे बुलंद कर दे। जेड़ा बदबख्त नबी पाक दा नामे पाक सुन के दरूद पाक नहीं पढ़ता हदीस की रोशनी अंदर ऐसा बंदा लानती है कंजूस है बखील है ऐसे बंदे की दुनिया आखरत बर्बाद है जिदे सामने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया और उसने आपसे दरूद ना पढ़िया। अल्लाह मुश्किल कुशादा जितना भी शुक्र अदा करिए थोड़े जिस रब्बुल आलमीन ने इस पुरफितन दौर के अंदर संसारियां नूं अपनिया और अपने महबूब दियाँ अपने महबूब के घर वालियां दियाँ और आप दे यारां दियाँ गल्लां करन दी तौफीक अता फरमाई यकीनन अल्लाह की तौफीक तो बगैर ना ही बंदा नेकी कर सकता है और ना ही गुनाह तो बच सकता है। कसरत नाल पढ़ना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला नेकी करने की ताकत भी अल्लाह देंदे ने ते गुनाह तो बचण की ताकत भी अल्लाह साडा जमा होना इंतजामिया का इंतजाम करना आप हबाब का बैठना उलमा का बयान करना पर्दे च मेरिया मामा भैणा का सुनना अल्लाह तमाम दी नेकी कबूल करके गुनाह तो बचण दी और नेकी करण दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दे शुक्र तो बाद मैं शुक्र गुजार हाँ अपने मोहतरम भाई मुहम्मद इकबाल अहमद कंबो साहब भाई मुहम्मद रमजान कंबो भाई मुहम्मद एजाज कंबो भाई मुहम्मद मास्टर अरशद मुगल साहब और उन्होंने रूफका जिन्ना भी तावन किए अल्लाह इस नेकी नूं कबूल करके सानू सही माने च नबी पाक का ताबेदार और फर्मा बरदार बना दे। 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफाते पाक का दिन रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत का भी महीना है और आप दी वफाते पाक का भी महीना है। आप दी वलादत के अंदर पेश होने वाली दलील तारीख के लिहाज न बहुत शदीद इख्तलाफ रख दी ने किसी ने 8 रबीउल अव्वल लिखे है किसी ने 10 लिखे है
पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्ला अलैह, सारे पढ़ो रहमतुल्ला, आपने 10 मुहर्रम आप दी विलादत पाक लिखी। दिन के अंदर इख्तलाफ नहीं, लेकिन तारीख विलादत इख्तलाफ है। आप पैदा भी सोमवार वाले दिन हुए ने और वफात भी सोमवार वाले दिन। वलादत की तारीख अंदर इख्तलाफ है, लेकिन वफात की तारीख अंदर इख्तलाफ उची बोलो नहीं। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने भी लिखे है फतावा रिजविया के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाक 12 रबीउल अव्वल में हुई। चिटियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग अल्लाह इन्हां नूं सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये जानते ने 80 की दिहाई तो पहले 12 रबीउल अव्वल नूं 12 वफात किया जांदा सी। पंजाबी दे अंदर 12 वफातां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात दा दिन। पुरानियां जंतरियां निकालो, उन्हां जंतरियां ते भी 12 वफात, 12 रबीउल अव्वल 80 तो पहले पहले। हजरत अलामा शहीद रहिमहुल्ला, सारे पढ़ो रहमतुल्ला अलैह, आप एक दिन लाहौर तकरीर करदे आ अपने भरावां नूं मुखातब करके कहिंदे ने वीरो या जशन छड़ दिओ या 12 वफात कहनी छड़ दिओ, दोवें चीजां मुतजाद ने। नबी करीम दी वफात ते कुफार खुशियां मनाण ते को गल समझ अंदर आंदी है, पर कलमा गो मुसलमान खुशी मनावे गल समझ अंदर। साडिया भाइयां ने जिहड़ी चीज छड्डण वाली सी ओह छड्डी नहीं, 12 वफात छड़ दित्ती। पर याद रखिए, रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम दी हिफाजत दा जिम्मा खुद उठाया। किन्ने उठाया? जिन्हों अल्लाह ने जुबान दिती है बुजुर्ग चुप रहने, बाकी बोलो किन्ने उठाया? जिन्हों शाके चुप रहो उधर सजा चुके, बोलो किन्ने उठाया? कयामत तक दीन इस्लाम दे अंदर कोई तब्दीली हो सकती नहीं। याद रखे 12 रबीउल अव्वल नबी करीम अलैहिस्सलाम दी वफात पाक का दिन। इख्तलाफ भी कोई नहीं, इसके बावजूद साढ़े वीर साढ़े मोहतरम भाई गलियां बाजारों के अंदर अजीबो गरीब जिया हरकत, ऐसिया हरकत के जिन्हों हरकत का शरीयत के नाल दूर दूर तक ताल्लुक हो। और अज ही मौलाना लियास अत्तारी साहब का मैं एक पैगाम सुन रहा सा, कह रहे सन लोगो चरागा की हद तक गल ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर लगा के बड़े बड़े बूफर लगा के गलियां दे विच किले ठोक के आवाम नूं तंग करना नबी करीम नाल मुहब्बत नहीं, नबी नाल प्यार नहीं। असल दे अंदर साढ़े भाइयों ने खुद ही छुट्टी दिती है, हुण डकदे ने डकींदे नहीं। साढ़े बार बटन दे अंदर दो जलूस निकलते हैं, एक जलूस उलमा का जलूस है जिस दे अंदर ढोल नहीं वाजा नहीं, दूसरा जलूस जिहड़ा जिद अंदर कढ़िया जांदा है नाल दे पिंडां चों आंदा है, अगे अगे ढोल वजदा है, जवान नचदे ने, बच्चियां नचदियां ने, बच्चे नचदे ने और पैसे सुट्टे जांदे ने, अगले साल घोड़े भी आ गए घोड़े नचाए जांदे ने, इस साल केक कटिया गया किसी ने 63 पौंट का किसी ने 40 पौंट का, हो कि रहा है? अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस बंदे दे दिल अंदर आमीना दे लाल दे बारे राई दे दाने दे बराबर भी बुगज आ गया वो बंदा ईमानदार रह सकता? ईमानी गैरत ना बोलो, ईमानदार रह सकता? एक छोटा जहा सवाल करांगा,
قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہونا ہے ہونا نا انشاءاللہ اللہ کہن گے چلو بھائی نبی کریم دا میلاد منان والے ہاتھ کھڑا کرو امی عائشہ ہاتھ کھڑا کرن گیاں بولو تے صحیح یار جڑا عقیدے واسطے نہیں بول سکتا انہیں زبان دا کی کرنے امی عائشہ ہاتھ چکن گیاں سیاسی جلسہ سمجھ کے بول لو امی عائشہ ہاتھ اٹھان گیاں ابو بکر صدیق دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا عمر فاروق عثمان غنی سیدنا علی حسنین کریمین حضرت معاویہ دے ہاتھ کھڑے ہون گے کسی ایک صحابی دا بھی ہاتھ کھڑا ہونا چوواں امام چو کسی ایک امام دا بھی ہاتھ کھڑا ہونا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ کھڑا ہونا تے ساڈے بھراواں نوں خیال کرنا چاہیے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ گل کتنے جانتی آئیے اصلاح دے طور تے چند باتاں میں کر دیتی ہاں اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ جے نبی دا امتی بنایا ہی تے صحیح مانے اچھا نبی پاک دا اطاعت گزار اور فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرما دے اللہ دے نبی حج دا خطبہ دے رہے ہیں جانا ہے تسی ماشاءاللہ جنی تانوں تھکاوٹ ہوئی ہے مینوں تے لگدا سو رات وی ایتھے سونا کنے کنے جانا ذرا زیارت کراؤ ہاں لجان والا کون ہے بھائی ماشاءاللہ آمینہ دلال حج دے موقع تے صحابہ دے جبے غفیر نال مخاطب نے میرے نبی اپنی اونٹنی مبارک تے تشریف فرما فرمایا بیلیو جنہیں جنہیں دین دے بارے میرے کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میری تے تہاڈی ملاقات نہ ہوگی آمینہ دلال فرما دے نے اللہ میں تیرا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ فرما دے نے سنیا صرف پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کیتا ہے اچھی بولو کی ادا کیتا ہے میں گل شروع کرا ذرا سجا چوکے جن ادا کیتا ہے حق ادا کیتا ہے کی ادا کیتا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں نو ماوا مننے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق اللہ دے نبی دی تسی حق ادا کیتے اللہ دے نبی فرماتے ہیں پہلیو میں اللہ دا پیغمبر ہاں اللہ دا پیغام پہنچان دا حق ادا کیتے کہ نہیں کیتا نبی دا ابو بکر بولے نبی دا عمر بولے نبی دا عثمان بولے نبی دا علی بولے نبی دا طلحہ زبیر بولے نبی دا سعد سعید بولے سنیا تسی حق ادا کر دیتے مسلمانوں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مسلمانوں رب کائنات نے تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا اچھی بولو دین نہیں بولے دین جنہ دا مکمل ہو گیا بولو دین اللہ نے دین مکمل کر دیتا او مسلمانوں رب کائنات دی قسم جڑا دین مکمل ہو گیا آمینہ دلال دی شریعت دے اندر ڈھول بجانا جائز کوئی نہیں بھنگڑے پانا جائز کوئی نہیں بچیاں نو بغیر پردے تو بازاراں دے اندر پہاڑیاں دی کھانا جائز کوئی نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے صحابہ خوشیاں منا رہے نے حضرت ابوبکر صدیق رو رہے نے میرے نبی دا یار عمر کہندے ابوبکر تسی کیوں رو رہے ہو خوشی دا ٹائم اللہ نے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے فرمایا پہلیا تینوں نہیں
नहीं पता अल्लाह ने अपने पैगंबर नु भेजण दा कोई मकसद रखे। मेरे नबी दे आण दा मकसद पूरा हो गया। उची बोलो मेरे नबी दे आण दा मकसद पूरा हो गया। अल्लाह दे नबी हुण ज्यादा देर साडे अंदर नहीं रहणगे। मेरे नबी अलैहि सलाम ने वापसी दा सफर शुरू कीता। ओ मुसलमानो रस्ते दे अंदर एक जगह पे कयाम कीता। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया पेलियो मैं तुहाडे अंदर दो चीजा छड के जा रहा वा। एक अल्लाह दा कुरान है, तुझी मेरी अहले बैत है। इन्हां दोवां नाल प्यार करियो, इन्हां दोवां नाल मुहब्बत करियो, इन्हां दोवां दा अदब करियो, इन्हां दोवां दा एहतराम करियो। मुरीद के वालियो अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं दो चीजा छड के जा रहा वा, यानी रब दी जन्नत दे अंदर जा रहा वा। दो चीजा, एक अल्लाह दा कुरान, दूजा नबी दा खानदान। मेरे नबी ने सलाम दा कलमा पढ़ने वाले सही मुस्लिम दी हदीस पाक मेरे नबी वापस आए ने मदीना पाक दे अंदर। मेरे नबी फकीर दे कब्रिस्तान ते गए ने, सहाबा दीआं कब्रां ते मेरे नबी ने जनाजा पढ़िया। अल्लाह दे नबी ने सलाम अपने घर मुबारक दे अंदर आ गए ने। मुसलमानों पकी दा कब्रस्तान है, नबी पाक अपने की घर दा जनाजा पढ़ा के आ रहे ने। रस्ते दे अंदर मेरे नबी दे सर मुबारक दे अंदर दर्द शुरू हो गए। ये दर्द सर बढ़ता जा रहे है। नबी दे बेली कही दे ने अल्लाह दे नबी ने अपने सिर ते पट्टी बनी हुई है। पर लोगो दर्द इतना ज्यादा है अल्लाह के नबी पाक की पट्टी के अंदर भी महसूस हो रहा है। मेरे नबी ने सलाम अपने घर के अंदर आ गए। हजरत अली मेरे नबी का पता लैन आए ने। हजरत अब्बास फरमा देने अली जी चचा अब्बास हुक्म होवे। फरमाया अल्लाह के नबी का की हाल है। हजरत अली फरमा देने अगे ना तबीयत के अंदर कुछ फर्क है। हजरत अब्बास रो पे ने आते ने अली मैं बनू अब्दुल मुतलब दे अफराद नू जान लावा। हजरत दे नबी पाक दे जिहड़ा मर्द लाहिक होया मैनू नहीं लगदा आप सेहतयाब होणगे। अल्लाह आपनू शफा देगा। अल्लाह मैनू लगदा है इसे मरज दे अंदर ही आप वफात पा जाएंगे। अल्लाह दा वास्ता जे तवज्जो मेरे वाल करियो। मुसलमानों हजरत दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ी सवाल कर दे ने। मेरे नबी रोज़ी पूछ दे ने अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बीबीओ अज मैं किंदे घर जाने, अज मैं किंदे घर आराम करने। आगे तरह गौर कीजिए हजरत नबी अलैहि सलातो सलाम दा यार मुआज मेरे नबी दा पहली मुआज। अल्लाह दे नबी मुल्के यमन की तरफ रवाना कर रहे ने। अल्लाह मुआज सवारी ते बैठे हुए ने। मेरे नबी पैदल टुर रहे ने ते मेरे नबी टुरदिया कहंदे ने ओए मुआज चंगी तरह मुलाकात कर लै, हो सकदा है तू दोबारा मदीने आवे। मेरी कबर दी कोलों दी गुजरे, मेरी मस्जिद दी कोलों दी गुजरे, पर तेनु मेरियां ज़ियारतां ना होवन। हजरत मुआज मेरे नबी दे गले लग के रोण लग पैंदे ने। मेरे नबी दा यार यमन दी तरफ जा रहे। अल्लाह दे नबी ने इशारे दे दिते ने ओ मुसलमानों आप रे सलाम दे बेली कहंदे ने। अल्लाह दे नबी हर साल रमज़ानुल मुबारक दे अंदर 10 दिन दा इतकाफ कर दे, लेकिन जिस दिन वफात हो मेरे नबी ने 20 साल का वफात मेरे नबी ने 20 दिन का इतकाफ किया। जिस साल वफात हुई है अल्लाह के नबी ने 20 दिन का इतकाफ किया। मेरे नबी कुरान का दौर एक बारी करते ने, उस साल मेरे नबी ने 2 बारी कुरान सुनाया। ओ लोगो तबीयत के अंदर खराबी मजीद बढ़ रही है। मेरे नबी पाक ले सलाम ने बुखार बड़ा तेज है। मेरे नबी को टुरिया नहीं जाता, मेरे नबी को चलिया नहीं जाता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम रोज़ी पूछते ने बीबीओ अज मैं किंदे घर जाने, अज मैं किंदे घर आराम करने, अज मैं किंदे घर रात गुजारनी है। मेरे नबी दिया बीवियां समझ गई ना अल्लाह के नबी ऐशा दे घर जाना चाहते ने। उची बोलो किंदे घर जाना चाहते ने। किंदे घर अम्मी ऐशा दे घर, जिंदे जेड़े पुत्र हो बोलो किंदे घर, नहीं बोलते किंदे घर, मां ऐशा दे घर। वाह शाह,
जे रब ने तेरे ते अजमैशा भेजिया ने ते अल्लाह ने तेनू शाना भी बड़िया अता कीतिया ने। क्यों जी कीतिया ने कि नहीं? अम्मी ऐशा ते तोहमत लगी है 40 दिन तक कुछ खादा। अल्लाह फरमांदे ने ऐशा घबरा ना, मैं तेरा परवरदिगार तेरी इस परेशानी का मुल पा देंगा। कबो सुभान अल्लाह, मुल की पाया अल्लाह ने? अल्लाह ने कयामत तक मेरे मदनी नू ऐशा दे हुजरे च सुला दिता है। कबो सुभान अल्लाह, जिन्हों समझ आई तेरा सज्जा चुके कबो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया, नबी के घर खुदा लाया, मुकद्दर मां तेरे ऐशा नबी का साथ है पाया, नबी का साथ है पाया, तेरे रोने का ऐशा अल्लाह मोल डालेगा, अल्लाह मोल डालेगा, कयामत तक तेरे हुजरे में मदनी को सुला देगा, हम मदनी को सुना देगा, तेरे हुजरे में सोया है पूरे आलम का सरमाया। ना 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 जरा मदीने वाला प्यार कर दिया उची कहो सुभान अल्लाह। तेरे हुजरे में सोया है पूरे आलम का सरमाया, साडे वालों कोई परेशानी नहीं, तुसीं अम्मा जी ऐशा दे हुजरे पाक अंदर चले जावो। मेरे नबी ने हजरत अली दे कन्या ते हाथ रखिया। एक होर सहाबी है, मेरे नबी ने उंदे कंधिया ते हाथ रखिया। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम कोलो टुरिया नहीं जांदा, मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम कोलो चलिया नहीं जांदा। ओ मुसलमानों, मेरे नबी अलैहि सलाम दे प्यारे अली आ रहे ने, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने कंधिया ते हाथ रखे हुए ने, मेरे नबी दे पांव मुबारक इंदे जमीन ते घिसड़दे जा रहे ने। अम्मा जी ऐशा दा हुजरा मुबारक, ओए लोको अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो सलाम जुमेरात दा दिन, जुमेरात दा दिन मैं बिल्कुल शॉर्टकट करदा जावां। जुमेरात दा दिन मेरे नबी अलैहि सलाम दी वफात दे पाक तो 3-4 दिन पहले दी बात है, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दी प्यारी बीवी अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मेरे नबी अलैहि सलाम दे होश ने, अचानक मेरे नबी नूं होश आई है। मेरे नबी ने उठदे ही पुछया, नी ऐशा मेरे बेलियां ने ईशा पढ़ी है कि नहीं? की कीता है कि नहीं? बोलो जरा, ओ जेहड़े पढ़दे हो ते बोलो, बाकियां नूं ते चले शर्म आंदी होएगी ना गल करन लगे आ, जेहड़े ईशा पढ़दे हो बोलो। नबी पाक फरमांदे ने मुनाफक ते दो नमाज़ां बड़ियां भारियां ने, एक फजर ते दूजी ईशा। अम्मा जी फरमांदियां ने सोने तुहाडा इंतजार हो रहा है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कि टप दे अंदर पानी ले आओ, टप दे अंदर पानी लेके आंदा गया। अल्लाह दे नबी टप दे अंदर बह गए ने, मेरे नबी ने गुसल पाक कीता। अल्लाह दे नबी गुसल करके उठे ने ते मेरे नबी बेहोश हो गए ने। अम्मा जी फरमांदियां ने फिर होश आया, मेरे नबी अलैहि सलाम ने पूछया, नी ऐशा
बेलियां ने नमाज पढ़ी है कि नहीं, अल्लाह के नबी तुहाडा इंतजार हो रहा है। टप के अंदर पानी मंगवाया, फिर मेरे नबी ने गुसल किया, नमाज वास्ते जान लगे ने ते बेहोश हो गए, फिर होश आया, तीसरी बारी बेहोश होके गिर पे। अम्मा जी ऐशा फरमादियां ने तीसरी बारी मेरे नबी रो रहे ने, ते रोंदिया रोंदिया कहंदे ने ऐशा मेरे को मस्जिद जाया जाना। अम्मा जी फरमादियां ने 29 सफर गुजर गई, रबीउल अव्वल दे महीने दा आगाज है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे जिस्म अंदरों इंज आवाज आ रही है जिवें हांडी दे उबाले खाण दी आवाजां ने। मैं कहनियां सुनिया तुहानूं ते बुखार बड़ा तेज है, नबी फरमाते ने ऐशा मैनू दोवां बंदियां दे बराबर बुखार है। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम फरमाते ने नी ऐशा मैनू लगदा मेरे कोल नहीं जाया जाणा। मुरूआ बाबा करीन फलयुसल्ली बिलनास, नी ऐशा अबू बकर नू आखो, उच्ची बोलो किनू आखो, अबू बकर वाले जरा सज्जा चौके बोलो किनू आखो, किनू आखो, अबू बकर नू आखो बुखारी कुरान तो बाद सुनियो तुहाडे वास्ते पढ़े आवां, काले दिल वाले वास्ते नहीं, क्योंकि उनके वास्ते बुखारी की कोई हसीयत नहीं। बुखारी फरमाया मुरु अबा बकरी फलयुसल्ली बिन्नास, सही मुस्लिम फरमाया सुनिया मेरे अबू बड़े नरम दिल दे मालक ने, किसी होर नू कह दियो। कौन कह रही है? ऐशा। कौन कह रही है? आंदे ने कब्जा होया है, नबी दी मसनत ते कब्जा होया है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह दी कुदरत दा इनकार है। इतनी बड़ी मसनत अल्लाह कब्जा होने देंदा है? उची बोलो ए। फरमाया सुनिया किसे होर नू कहते वो, अल्लाह दे नबी फरमाने ने नहीं ऐशा मुरूआ बाबा करीन फलयुसल्ली बिलनास। तीजी बारी मेरे नबी ने आख्या, अम्मा जी रो के ओई जवाब दे रही ने, आखिर मेरे नबी गुस्से के अंदर आ गए, फरमाया नहीं ऐशा जमीन के मुस्तफा पसंद नहीं करता, अबू बकर तो अलावा मेरे मुसल्ले ते कोई आवे, अरशे परी ते खुदा पसंद करता। पैगाम पहुंचे अबू बकर नमाज पढ़ा दियो, हजरत अबू बकर रो रहे ने, ते उमर दी बांह फड़ के आंदे ने उमर तू पढ़ा दे, मेरे को नबी दा मुसल्ला संभाले आ जाना। हाय हजरत उमर फरमाते ने नहीं अबू बकर तेरा हक बनता है। हजरत अबू बकर आए ने मेरे नबी दे मुसल्ले दे 17 नमाज़ा पढ़ाया। ओ मुसलमानों अज नबी अलैहि सलाम नाल प्यार करन वाला नबी नू हाजर नाजर भी कही जांदा है, ते मुसल्ले ते चढ़ के नमाज़ा भी पढ़ाई जांदा है, नबी नू हाजर नाजर भी कही जांदा है, ते मिंबर ते चढ़ के तकरीरां भी करी जांदा है, नबी नू हाजर नाजर भी कही जांदा है, ते आ गए ते नारे भी मारी जाता है। ओ मुसलमानों जुमे रात की शादी नमाज, जुमे दिया पांच नमाजा, हफ्ते दिया पांच नमाजा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दे यार अबू बकर ने पढ़ाया, इतवार दिया पांच नमाजा, सोमवार दी फजर दी नमाज दा टाइम है, मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दा अबू बकर, अल्लाह के नबी ने अंध करके बारी खोली है, सहाबा दी जमात खड़ी हुई है, मेरे नबी दा अबू बकर भी साफ अंदर है, कि अल्लाह के नबी आ जाव अपने मुसल्ले ते आ जावण, ते आके इमामत करवा देवण। ओ मुरीद के वालियो मेरे नबी ने अल्लाह दा शुक्र अदा कीता, ते अबू बकर नू इशारा कीता, चल अबू बकर मेरे मुसल्ले ते आ जा, आके इमामत करा दे। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे अबू बकर मुसल्ले ते आ गए ने, मेरे नबी अलैहि सलाम ने आखिरी दीदार कराया अपने बेलियां नू, अपने यारां नू आखिरी दीदार कराया, इंज करके पर्दा नीचे गिर गया, बारी बंद हो गई है, अबू बकर ने नमाज पढ़ाई है, नबी पाक दे हुजरे पाक अंदर आए ने, आके गांदे ने सोनिया अगर इजाजत दे वो मदीने दे बार मेरा घर है, बड़े दिन हो गए ने मैं घरों फेरा नहीं मारिया, 17 नमाज़ा उची बोलो किन्नियां नमाज़ा।
जिन्हों अबू बकर नाल प्यार है जरूर बोले किनिया उची बोलो किनिया सतारा नबी दी जिंदगी विच नबी दे मुसल्ले ते मगर अली भी खलोंदे ने अब्बास भी उची बोलो और सचे हो कि नहीं बोलते अब्बास भी खलोंदे ने हाथ बन के खलोंदे ने नबी दी अल्लाह अकबर अल्लाह दिती हुई अमानत अबू बकर ने हक अदा कीता फजर पढ़ाई हुजरा पाक अंदर आए इजाजत मांगदे ने इजाजत दे दियो मैं घरों फेरा मारा मा फरमाया बेलिया जल्दी जावी ते जल्दी आ।